इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री व राऊ विधायक जीतू पटवारी धरने में शामिल होकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता गली गली, खासकर यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता जिलेवार उद्वेलित है, आंदोलित है। आज तानाशाही क्या होती है और तानाशाही का स्वरूप क्या होता है ये सुना था। राहुल जी की सदस्यता समाप्त करना, उसको तानाशाही की शुरुआत की एक प्रारंभिकी बनाई, मेरे को निलंबित किया। अभी विक्रांत भूरिया को जिस वक्त हम सब यह बात कर रहे हैं उस समय वक्त उसके घर सैकड़ों पुलिस भेजकर उसको गिरफ्तार किया है। आप देखो कि कैसे दमन से कार्यकर्ताओं की, आम जन की भावनाओं को दबाया जाता है। ये शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी ने इस देश और इस प्रदेश में लोगों को बताया है। हम राजू जी की प्रतिमा के नीचे उनकी शहादत को नमन करते हुए राहुल जी के साथ जो व्यवहार इस सरकार ने और इस सत्ता ने किया है उसका हम प्रतिकार करते हैं। वो प्रतिकार है कि 20,000 करोड़ रुपए की शेल कंपनियां थी, वो पैसा कहाँ और किसका और कैसे था और किसके जरिए आया, ये सवाल पूछना एक लोकतंत्र में गुनाह है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर बताऊंगा नहीं कि किसने खाया और कैसे खाया और क्यों खाया, ये नहीं बताऊंगा।